कि आप लोग को किसी लड़की को हिम्मत नहीं हारना है, इसके साथ इतना बड़ा अन्याय किया गया, मिट्टी में छिड़क कर जला दिया गया, ये सोच के इसका कोई नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आने वाले समय में आप लोग को देखिएगा, ये अधिकारी बनकर जब जाएगी अपने जिले में ना, ऐसे दलितों को खींच खींच के मारेगी। आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार, मैं हूँ आपके साथ मीनाक्षी ठाकुर। अभी मैं खानसर गया हूँ, रक्षाबंधन चल ही रहा है और इसी बीच एक लड़की आई है सर से मिलने के लिए, सर से मिली है, बहुत ही भावुक हो गए, पूरा माहौल गमगीन हो गया। उसके बाद मैं मिलाती हूँ आपको उनसे भी। ये नाम क्या है आपका? नीतू। नीतू, देखिए इनका जो हालात है वो कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये इनका चेहरा, इनका बदन, इनका जिस्म ये बयां कर रहा है कि इनके साथ क्या हुआ है। लेकिन हम जानना चाहेंगे, इनसे जानकारी लेंगे कि क्या क्या हुआ है आपके साथ, क्यों ऐसा हुआ आपको? किसी और के साथ अफेयर चलता था। किसका? आपकी, आप मतलब शादीशुदा थी? आप शादीशुदा थी? हाँ, हम शादीशुदा हैं। कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई पूरा बताइए। वो मुंगेर में ना जला दिया था मेरा हस्बैंड, ननद और सासू माँ तीनों मिल के। आप कहाँ की रहने वाली हैं? बेगूसराय की। आप बेगूसराय की रहने वाली? बेगूसराय में कहाँ? बेगूसराय रहती सांक तरैया। सांक तरैया आपका नैहर है, और ससुराल कहाँ है? मुंगेर संदलपुर फारी। देखिए ये बेगूसराय की बेटी है। आपको बता दूँ कि मैं भी बेगूसराय से बिलोंग करती हूँ, और मैं भी बेगूसराय रजौड़ा तरफ से 9 किलोमीटर दूर एक गांव है नीमा चांदपुरा, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। और ये बेगूसराय के लोग अभी आपको देखेंगे इस पेज पे, ठीक है? और आप बताइए कि आपके साथ हुआ क्या क्या है। मिट्टी के तेल डाल के जला दिया था। कौन? आपका पति जला दिया था? क्या आपका कसूर क्या था? मेरा कसूर कुछ नहीं था, बस हम लोग गरीब थे, बाती रुपया मांगता था, रुपया पैसा मारता पीटता था, इसीलिए रुपया पैसा हम लोग नहीं। शादी कब हुई आपकी? 2014 में। फिर एक घटना कब हुआ? 2016 में। उसका किसी से अफेयर भी था क्या? हाँ, एक ऐसी लड़की थी जो, वो लड़की पहले से शादीशुदा थी, वो लड़कियाँ 3 शादी पहले कर चुकी थी, अब चौथा पति मेरा हस्बैंड है। तो वो लड़की 3 शादी कर चुकी थी और चौथा पति आपका हस्बैंड है? हाँ, वो लड़की, उस लड़की के कारण आपका प्रतिमा है। उस लड़की का नाम प्रतिमा। वो लड़की है कहाँ की? अभी वो लड़की मतलब कहाँ की, हम पुत्ते थे तो मारता पीटता था, हमको जगह नहीं बताता था, कोई कोई नाम से सेव किया, कोई कोई नाम से नंबर वा सेव करता था, करके अपना फोन में रख लिया था, हमको पता नहीं था कि। तो फिर आप विरोध किए इसका, तब आप ये जुल्म हुआ? कब विरोध किए इसका? 16 में, मतलब बात उत करता था फोन से, तो हम पूछते थे तो मारता पीटता था। उसके बाद क्या किया उस दिन या उस रात की घटना बताइए। नहीं, उसकी रात में ना, उसी रात में जला दिया था। आपको, आप सो रही थी, पूरी घटना बताइए ना अच्छे से। मतलब मारा पीटा था तो उस समय हम सोए नहीं थे, मतलब जगे हुए थे, तो लेकिन ना मतलब बेड पे थे, तो वो लोग अचानक आके मिट्टी के तेल छीट के और जला दिया था। इस घटना में सिर्फ आपके पति का हाथ है, किसका किसका हाथ है? मेरा पति और मेरी सासू माँ, मेरी नाना देव वहीं पे रहती है, वो अपना ससुराल नहीं रहती, अपना हस्बैंड के छोड़ दिए उसका, वो अपना आप अपना बचाव कैसे की उस सब? हम खुद से बचे, यानी कि वहाँ के गांव के लोग ना मतलब चिल्लाते थे ना, तो पूछा ने कहा हुआ था, तो बजा दिया था, तो एक डब्बा पानी था, इस डब्बा ये डब्बा जो है ना, इससे थोड़ा बड़ा डब्बा था, उतना पानी हम डाल के खूब चिल्ला रहे थे, वो लोग अस्पताल नहीं ले जा रहा था, तब जाके वहाँ के गांव के लोग वहाँ पर मतलब कॉलोनी का लोग कुछ बोला होगा, तब जाके अस्पताल ले गया था, हम बेहोश थे, उसके बाद हम कुछ नहीं जानते, फिर हमको होश आया था, हम पप्पा के नाम लेते थे, तो हमको बात नहीं कराता था पप्पा से, तब हम बोले ना कि हम अपना पप्पा से बात करेंगे, तो वो नहीं कराया, एक दूसरे कोई था ना, पप्पा चिल्ला रहे थे, आँख नहीं खुल रहा था, जलने के बाद पूरा आँख और मुँह सब बंद हो गया था, तब ना वो उसको नंबर बताए थे, तो वो पापा के कॉल लगाए थे, तब पापा के बोले, तब पापा बात किए वो आदमी से, वो कौन था हमको पता नहीं, आँख बंद था तो हम कैसे देखते कि वो कौन था। एक दानव जो आपको जला दिया और एक फरिश्ता जो आपको बचा लिया। हाँ, तब जाके ना मेरा पापा आया, तो नालंदा मेडिकल ने अस्पताल नहीं है उसी में भर्ती किया था, तो बचे, उस समय बोला था प्लास्टिक सर्जरी करवा देंगे, हमें लगता है सपोर्ट करेंगे उनका, है ना? आपको कहीं से भी कोई भी दिक्कत हो, मैं भी बेगूसराय से बिलोंग करती हूँ, आप फटाक से हमको बोलिएगा, इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, ठीक है? जहाँ तक संभव हो मैं भी आपका मदद करूँगी,
और इतनी खूबसूरत चेहरे को जिन दानवों ने ऐसा बनाया है, ठीक है, उसका एकदम जम के दम लेना है ताकि फिर समाज में कोई दूसरी नीतू ना बने। अब आप इमोशनल हो रही है, खान सर से कुछ तो मोटिवेट हुए होंगे, खान सर जब आपके कंधे पे हाथ रखे थे तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए थे। पता था सर खान सर के पास जाएंगे ना एक दिन खान सर मुझे देखेंगे ना तो सपोर्ट जरूर करेंगे, मेरा फुल सपोर्ट करेंगे, हमको इतना यकीन था पहले से भी, लेकिन हम पढ़ाई करने के लिए आते थे, उनसे बात नहीं मेरी हो पाती थी तो हम चल जाते थे, क्लास आते थे मतलब क्लास पढ़ के चल जाते थे, बात करने की बहुत कोशिश करते। अब जब क्लास आती थी तो ढक के आती थी, चेहरा ढक के आती। हाँ, ऑफिस में भी। आज पहली बार आप चेहरा खोले हैं। हाँ, वो राखी बांधना था ना, सेल्फी लेना था मुझे, इसीलिए हम चेहरा खोल के सेल्फी लिए, तो नहीं तो सेल्फी। आपके चेहरे पे देखिए जो स्माइल है कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे ही स्माइल करते रहा। तो हम ना मतलब भैया के बोलते थे कभी हमको खान सर से ना 2 मिनट के लिए मिला दीजिएगा ना, तो बटन नहीं मिलाता था उन्होंने, कोई भी भैया वहाँ के नहीं मिलाते थे, बोलते थे पढ़ाई करो ऑनलाइन पढ़ाई। आप चेहरा नहीं दिखाती होंगी इसीलिए। हाँ, दिखाते थे मतलब बोले थे कि हम जले हैं ऐसे वैसे, मतलब हमको गर्मी बर्दाश्त नहीं होता उतना, के बीच में हम पढ़ नहीं कर सकते हैं, मतलब ना बीच में आ जाते हैं तो गर्मी लगता है ज़्यादा। इनका हाथ देखिए, ये अपना बचाव जो कर रहे होंगे ना, उस क्रम में इनका हाथ भी जल गया, इनका जख्म हो गया पूरा, गर्दन के पास में इनका पूरा, मिट्टी के तेल डाला था ना, तो मिट्टी के तेल डाल के जिसमें डाल रहा था ना उसमें 3 आदमी पकड़ लिया था समझी, आ तो अब जाके 3 आदमी पकड़ के एक आदमी आपके ऊपर मिट्टी तेल डाल रहा था। आ जब डाल दिया ना तो सब छोड़ दिया, बहुत दूर से माचिस धरा के, माचिस का तीली नहीं होता, धरा के यहाँ पे फेंक दिया, तो यहाँ से लगा, यहाँ से पूरे लग गया था।